नमस्कार, मैं रविश कुमार। झारखंड के चतरा जिले में एक नाबालिग लड़की को बलात्कार के बाद आरोपियों ने उसे जिंदा जला दिया। ये आपके मुल्क की रोजाना की हकीकत होती जा रही है। बेहतर है कि नेताओं के बकवास और झूठ से भरे भाषणों की जगह इन समस्याओं पर बात कीजिए और कुछ कीजिए। ये नेताओं से नहीं होगा, ये किससे होगा ये भी पता नहीं। वे झूठ बोलने में दिन रात लगे हुए हैं। एक लड़की को जिंदा जला देना रेप के बाद। बिहार के जयनगर से चलकर नई दिल्ली आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पिछले कई महीनों से 30-30, 20-20 घंटे की देरी से चल रही थी। जब हमने इस ट्रेन की पिछले 2-4 दिनों का रिकॉर्ड देखा इस ट्रेन का, तो यह ट्रेन 20 से 30 घंटे की देरी से चल रही थी। हमने कहा कि जब तक यह ट्रेन समय से नहीं चलेगी, हम इसका बार बार प्राइम टाइम में जिक्र करते रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चलने वाली ट्रेन कैसे देर से चल सकती है, वो भी 30-30 घंटे की देरी से। लगता है कि प्राइम टाइम का असर हुआ है। इस ट्रेन की बोगी बिल्कुल नहीं है, चमचमाती हुई नजर आती है। मगर देरी से चलने के कारण लोग तरसते तो हैं कि इसमें चलें, लेकिन उनका कलेजा नहीं कहता कि इस ट्रेन से जाना चाहिए। बहरहाल प्राइम टाइम का असर हुआ है और यह 4 मई के दिन यानी आज जयनगर से समय से चली है। जो ट्रेन 20 घंटे की देरी से खुल रही थी और कई महीनों से, वो आज पहली बार समय से चली है। हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता का कहना है कि 2011-12 से ये ट्रेन चलनी शुरू हुई थी और 2015 के बाद से आज तक ये समय से नहीं चली। अब इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, मगर ये हो सकता है कि देरी से चलने के कारण ट्रेन की ऐसी छवि बन गई हो। जब हमने 2 दिन लगातार प्राइम टाइम में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बारे में विस्तार से चर्चा की, तब रेलवे ने फैसला किया कि 4 मई को यह समय से दिल्ली के लिए रवाना हो। इसके लिए आसपास के स्टेशन से बोगियां मंगाई गई, एक रेल ये से इस तरह से जमा किया गया और एक नई रेलगाड़ी बनाई गई, उसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया गया। ये उसकी ओरिजिनल बोगी नहीं है। 4 मई की सुबह से ही नई रेक की सफाई होने लगी, फिर उसे दरभंगा से जयनगर के लिए भेजा गया, जहां से बिल्कुल राइट टाइम दोपहर 2 बजे खुली। हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता उस वक्त दरभंगा स्टेशन पर मौजूद थे जब इधर उधर से बोगियां जोड़कर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की रेक बनाई जा रही थी। यात्रियों को भी सपने जैसा लगा कि वाकई ये ट्रेन टाइम से निकल रही है। वो आज जयनगर से ये ट्रेन राइट टाइम खुली, दरभंगा पहुंची तो कुछ देर हो गई, लेकिन यह ट्रेन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के इलाके से भी गुजरती है। सोचिए इस ट्रेन की क्या हालत है। 3 अप्रैल को दिल्ली से आने वाली ट्रेन 4 मई की दोपहर तक नहीं पहुंची थी जयनगर, और अब जयनगर से यह ट्रेन सही समय पर जा रही है तो हैरानी का आलम है। 2 दिन के प्राइम टाइम के बाद यह गाड़ी टाइम पर आ गई। हमने सोचा था कि स्वतंत्रता सेनानी सोमवार एक्सप्रेस सोमवार से शायद सही समय पर चलने लगे, मगर शुक्रवार को ही इसमें बदलाव की कोशिश शुरू हो गई। हम कुछ हफ्तों तक इसका रिकॉर्ड रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइम टाइम के कारण एक बार के लिए राइट टाइम चल दिया और फिर जनाब भूल गए रेल बोर्ड वाले। हाजीपुर स्टेशन पर शाम 7:45 बजे के करीब यह पहुंची तो वहां भी यात्री हैरान हो उठे कि ये वही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है जो कभी 20-25 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे की देरी से आती नहीं थी बिना लेट हुए। लेट भी होती है तो 10-20 घंटे। हमारे सहयोगी कौशल किशोर वहां स्टेशन पर मौजूद थे हाजीपुर के वक्त जब पहुंच रही थी। यात्रियों के लिए आज का दिन यादगार बन गया। जो ट्रेन दिल्ली से जयनगर से चली है वो भी देरी से चल रही है, लेकिन एक नई ट्रेन बनाकर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को सही समय से चलाने का प्रयास तो किया गया है। तो सरकार को ही देना चाहिए, सरकार को थोड़ा इसमें सुधार भी लाना चाहिए। जो ट्रेन लेट चल रहा है उसमें सुधार लाना चाहिए। पहले आज पहली बार फर्स्ट टाइम चल रहा है, परेशानी तो पढ़ लिख के बहुत होता है, बहुत वापिस जाते बहुत नहीं जाते। जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए तो परेशानी है, जो पास में नहीं जाते उनके लिए नहीं परेशानी। रेक चेंज हुआ है, रेक बदल के आया है, आज दूसरा रेक आया है, इसके कुछ असर दिख रहा है। इसका न्यूज पे जो इसका ये चला है, इसका कुछ असर दिख रहा है। जब ट्रेन लेट होती है तो हम लोग 3-3, 4-4 घंटा स्टेशन पे वेट करते हैं। 2 दिन तक वेट करना पड़ा, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। और ऐसा है कि सारा काम जो है ना, बूढ़े आदमी हमारे साथ जा रहे हैं, मेरे पिताजी जा रहे हैं, वो एज के हैं, उनको खाना पीना नहीं मिला, बेचारा भूख प्यास से मर रहे हैं। ना MLA MP ना वर्कर्स कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बस लेट चल रही है, चलने दो। अरे कैसे चलने देंगे रेल को लेट, अभी टाइम पर चलेगी ये ट्रेन, हम रोज इसको बताएंगे।
अब रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को दूसरी रेलगाड़ियों का चैलेंज दिया जाएगा जो पिछले कई हफ्तों और महीनों से 10 से 20 घंटे की देरी से चल रही है। यात्री परेशान है, मीडिया में ये सब बातें रिपोर्ट होती नहीं क्योंकि नेताओं के झूठ से भरे भाषणों से ही टेलीविजन और अखबारों का स्पेस भर गया है। आपकी भी आदत वैसी बना दी गई है कि आप भी रात को पहुंचकर उसी को न्यूज समझते हैं। यात्रियों के समय की कीमत की किसी को परवाह नहीं। आज ही दरभंगा स्टेशन पर जो यात्री अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस पकड़ने आए तो स्टेशन पर पता चला कि 7-8 घंटे लेट है। वेटिंग रूम बंद होने से भी ये यात्री नाराज हो गए। एक ट्रेन है पटना कोटा एक्सप्रेस, ये हर दिन 15 से 20 घंटे की देरी से चलती है। 4 मई को चलने वाली 13239 नंबर की पटना कोटा एक्सप्रेस 19 घंटे 10 मिनट लेट है। 3 मई को चलने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस 10 घंटे लेट खुली थी। 2 मई को पटना कोटा एक्सप्रेस 16 घंटा 45 मिनट की देरी से रवाना हुई। बिहार से बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा जाते हैं। अलग अलग जिलों से चलकर माँ बाप और छात्र पटना रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते हैं और मच्छर से कटवाते हैं। 16 दिसंबर 2016 को हम सफर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। नई ट्रेनों का सिलसिला, इस ट्रेन में सीसीटीवी, जीपीएस, मोबाइल, लैपटॉप, नैपी चेंज का बोर्ड और खाना गर्म करने का वगैरह वगैरह, चार्जिंग प्वाइंट से लैस ये ट्रेन थी। मध्यम वर्गीय यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसी 13 अप्रैल से चंपारण हम सफर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। अभी महीना भी नहीं हुआ है। इसका नंबर है 15-15705। पुरानी दिल्ली से कटिहार के बीच चलती है। ब्रांड न्यू ट्रेन है ये। महीना भी नहीं हुआ शुरू हुए और ये ट्रेन देरी से चलने लगी है। 3 मई को चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 14 घंटे 51 मिनट की देरी से कटिहार से चली। दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन 18 घंटे से भी ज्यादा की लेट हो गई। 22406 नंबर की भागलपुर गरीब रथ की लेट लतीफी से भी यात्री बहुत परेशान है। 4 मई को यह ट्रेन आनंद विहार से 11 घंटा 35 मिनट की देरी से रवाना होने वाली थी वेबसाइट के अनुसार। एक और हमसफर एक्सप्रेस का हाल बताता हूं। 4 मई को बेंगलुरु से अगरतला के लिए चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस के 23 घंटे देरी से चलने की सूचना है। उम्मीद है इस ट्रेन में मुख्यमंत्री बिप्लब देव ना चल रहे हों, वरना वे कहीं बयान ना दे दें कि ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है। पहले लोग अंतर ध्यान हो जाया करते थे भारत में, ट्रेन तो बेकार क्या का उपक्रम है। बेहतर है कि बिप्लब देव रेल मंत्री को तुरंत फोन कर गए, पूछें कि अगरतला के लोगों की कोई वैल्यू है या नहीं उनके टाइम की। 23 घंटे कोई ट्रेन कैसे लेट चल सकती है? आप यात्रियों से पूछिए उनका कितना नुकसान हो रहा है। चूंकि ट्रेन का देरी से चलना मीडिया की रिपोर्टिंग के लायक नहीं समझा जाता, इसीलिए रेलवे के अधिकारी भी ऐश कर रहे होते हैं कि किसी को पता तो चलेगा नहीं, खबर क्या छपती है कि नए रंग की कोच आ गई, नए रंग कोच में एलईडी बल्ब जल गई लेकिन वो चल ही नहीं रही है। मगर ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अखबार भरे पड़े हैं ऐसी खबरों की कतरनों से। कई बार मुख्य रूप से भी खबरें छप रही हैं, पत्रिका में मैंने देखी काफी बड़े स्तर पर छपी हुई थी। एक और ट्रेन है कि नई दिल्ली से बरौनी जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस, 4-8 घंटे की देरी तो इसके लिए आम बात है। ये वैशाली एक्सप्रेस के जनरल बोगी का नजारा है, आप देखिए, किसी ने शूट किया है। क्षमता से ज्यादा यात्री सवार हो रहे हैं। इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि गरीब यात्रियों के लिए जनरल बोगी का अनुभव कुछ भी नहीं बदला है। आप जो भी खबरें सुनते हैं कि चार्जर लग गया, नैपी चेंज का बोर्ड लग गया, वो सारी सुविधाएं इन भारतीयों के लिए नहीं है जो गरीब हैं। इस भीड़ में सांस लेने की जगह नहीं, मगर यात्री अपने सामान के साथ कैसे जाते होंगे हम आगे बताएंगे। बहुत से यात्री ट्रेन में तब भी नहीं चढ़ पाते, यही वजह है कि बिहार से दिल्ली के बीच 250 से अधिक बसें चलने लगी हैं। इन बसों में सुरक्षा और ड्राइवर की ट्रेनिंग के मानक की कोई जगह नहीं। यही कारण है कि कल मुजफ्फरपुर से 3 मई को दिल्ली आ रही एसी बस उलट गई, आग लग गई। मोतिहारी के पास बस जलकर खाक हो गई। पहले खबर आई कि आग जलने से 12 लोगों की मौत हो गई, मगर अब जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी की मौत नहीं हुई। तब प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दे दी। ये हाल है सूचना का। ऐसी बसों का परमिट चेक करना चाहिए। कशिश न्यूज चैनल, जो स्थानीय न्यूज चैनल है, इसने रिपोर्ट किया है कि बहुतों के पास नेशनल परमिट नहीं है। इसकी जगह 15 दिनों के लिए टूरिस्ट परमिट ले लेते हैं और एक परमिट पर कई बसें चल रही हैं। आम आदमी को मजबूर किया जा रहा है कि वह असुरक्षित यात्रा करे और मर जाए। उसकी ना तो जान की कीमत है न समय की। उम्मीद है यूपी सरकार, बिहार और दिल्ली के बीच चलने वाली इन तमाम बसों की तुरंत जांच करेगी और सख्त मानक बनाएगी। यह भी जांच करे कि ये बसें किन किन नेताओं की हैं। ये सारी बसें आनंद विहार से दिल्ली के लिए खुल रही हैं। टीवी में आम लोगों की समस्या गायब होती जा रही है। हवा हवाई बयानों की हवाबाजी पर सारा कारोबार चल रहा है। यहाँ आम आदमी जलकर मर जा रहा है या तो कट जा रहा है। अब हम एक और ट्रेन का हाल बताते हैं। इसका नाम है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। मंगलवार को यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। इसकी जनरल बोगी में इतने यात्री सवार हो गए कि बोगी झुक गई, उसका सस्पेंशन ही धंस गया और चलने के लायक नहीं रही। मैकेनिकल विभाग ने संपूर्ण क्रांति को चलाने से इनकार कर दिया कि खतरनाक हो गई है ट्रेन। इसके बाद यात्रियों को पुलिस बुलाकर उतारना पड़ा और फिर ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। आप सोचिए यात्रियों का कितना दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट छप रही है कि कोच में नया बल्ब लग गया, चार्जर लग गया, मगर आम लोगों की तकलीफ
दूर करने के लिए कोई नया जनरल कोच नहीं लग रहा है। हमारे सहयोगी परिमल ने एक दूसरी ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस के जनरल कोच में गाजियाबाद तक सवारी की ताकि मंगलवार को संपूर्ण क्रांति में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सके। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए भीड़ कुछ ऐसी ही है जैसे त्योहारों पर होती है। नई दिल्ली स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं, बस किसी तरह सवार हो जाना है फिर सफर कट ही जाएगा। मगर मुसाफिरों के दबाव से मंगलवार को संपूर्ण क्रांति की जनरल बोगी का स्प्रिंग बैठ गया। मुसाफिरों को बोगी से बाहर करने के बाद ही ट्रेन चल सकी ढाई घंटे की देरी से। अनरिजर्व्ड जीएस की जो कैपेसिटी होती है रफली 90 रहती है। कितने मुसाफिर थे जिनको 250 से ऊपर इसमें चढ़े हुए थे, तो 250 जो उसकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा है। कितने मुसाफिरों को उतारा गया होगा सर? रफली 60-70 के आसपास लोगों को उतारा गया और उतारने में भी हमें बुरा लगा कि इनको हमें उतारना पड़ा, लेकिन ये यदि हम इनको परमिट करते तो ये अनसेफ हो जाता कोच। भाई आप पास से खड़े हो जाओ। पहली बार हुई ऐसी घटना के बाद से रेलवे ने सबक लेते हुए आरपीएफ के जवानों की तादाद नई दिल्ली स्टेशन पर बढ़ा दी है। भाई आप यहां मत खड़े हो। जनरल बोगी में सवार होने के लिए कतार और फिर अफरा तफरी या मुसाफिरों की संख्या सीमित रखने के मद्देनजर क्राउड कंट्रोल करते आरपीएफ के जवान। फिलहाल हम श्रमजीवी ट्रेन के जनरल बोगी में हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुसाफिरों के सामने क्या चुनौती होती है, क्या चिंताएं होती हैं। मैंने तो आज टिकट ली रिजर्वेशन, 15 दिन से ट्राई कर रहा था, मिल ही नहीं रहा था। तब आज जा रहे हैं लोकल से। कंफर्म टिकट ही नहीं मिल रहा। मैं टिकट फरवरी से ट्राई कर रहा हूँ, टिकट नहीं मिल रहा है, न संजीवी में मिल रहा है, न संपूर्ण क्रांति में। खमागदा विक्रमशिला में हुआ था, टेकमर के बीच में से घूम के चला आया, अब तो मिल ही नहीं रहा है। टिकट तत्काल में मिला ही नहीं, इसलिए मजबूरी में आज पहला बार रिजर्वेशन में जर्नल में जाना पड़ रहा है। पहला बार? हाँ। कोई जमीन पर बैठा है, कोई खड़ा है, तो किसी ने खुद को सामान रखने वाली जगह साइड अपर पर शिफ्ट कर लिया है। अब पैसा ले लिया है, सीट नहीं मिला है। परेशानी से जा रहे हैं? अब परेशानियों से जा रहे हैं। ठंडा मैंगो वाला हाँ, तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो सीट आदमी क्या करेगा? सीट नहीं मिली अभी तक? नहीं मिला अभी तक। बहुत कितना घंटा होगा लखनऊ जाने? 6-7 घंटा। खड़े ही रहिएगा? हाँ खड़े रहेंगे। कम से कम जो जहाँ चार तरह वहाँ कम से कम मास्क कर देना चाहिए। भीड़ ऐसी कि ट्रेन में दाखिल होने के गेट से लेकर टॉयलेट के दरवाजे के पास भी मानो पहरा हो। इतनी भीड़ होती है कि टॉयलेट जाना तो मुश्किल ही है, आदमी वहाँ तक टॉयलेट डिब्बे तक पहुँच ही नहीं पाता। टॉयलेट तक जनरल बोगी में खचाखच भीड़ के बीच लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी हालत जानवरों जैसी ही है। हम लोग कहेंगे कि स्थिति बहुत डाउन है, जैसे बकरा बकरी कुचते हैं वैसे हम लोग कुचाते हैं। अरे मान लीजिए 20 डिब्बे, 20 में कम से कम 8 तो जनरल होने चाहिए भाई। 2 AC रखो, बाकी 2 क्लास रखो, 3rd क्लास में सबको भेज दिया। बोगी को लेके आप लोग? जनरल बोगी का कहना है एक भाई, जो AC बोगी स्लीपर बोगी है इतना, कम से कम जनरल बोगी का 8 बोगी कर दिया जाए। जनरल बोगी के भीतर ही नहीं पटरियों पर भी ट्रेन के हालात बेहतर नहीं। शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी 19 घंटे देर है तो लिच्छवी 21 घंटे। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 16 घंटे लेट है तो सद्भावना एक्सप्रेस 5 घंटे। जब ट्रेन समय पर चलेगी नहीं, रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, मंजिल पर पहुंचना है तो सफर जैसे तैसे ही सही। न हाल बदला है न हालत सुधरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। लेकिन ऐलान हो गया कि मंत्री बड़े डायनेमिक हैं, तो इन ट्रेनों की ऐसी हालत क्यों है जो मंत्री इतने डायनेमिक हैं? तो उम्मीद है कि मंत्री इस पर ध्यान देंगे और तुरंत कोई कार्रवाई करेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रोफेसर नामवर सिंह की। प्राइम टाइम के प्रस्तुत करता है केंट आरो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। को पावर्ड बाय चोको कैरमल, नौगा से बना प्रिया गोल्ड सुपरस्टार, देश का ब्लॉकबस्टर।